मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में एक सरपंच के खुलेआम दादागिरी का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो मऊगंज के जनपद पंचायत के मनरेगा शाखा का है। यहाँ पर पदस्थ महिला अधिकारी के कार्यालय में घुसकर एक सरपंच ने जमकर उत्पात मचाया और कार्यालय के अंदर रखे कंप्यूटर को उठाकर जमीन पर पटक दिया। साथ ही वहां पर रखे हाईकोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेजों को भी इधर उधर फेंक दिया। ये मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरोप है कि घटना के दौरान सरपंच ने महिला अधिकारी से गाली गलौज भी की। मामले में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा ने पुलिस थाना मऊगंज में शिकायत दर्ज कराई है। सरपंच द्वारा मेरे खेत में आज मेरा कंप्यूटर तोड़ा गया, जिसकी कीमत आज 35,000 रुपए है। एचपी का कंप्यूटर था, उसके अलावा मेरे हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट थे, उसको उन्होंने तोड़ा है। और मैं रीवा से निकल के जनपद मऊगंज में आ रही थी मीटिंग के लिए, उन्होंने इतना नुकसान किया है। इनके FIR के लिए मैं थाने जा रही हूँ। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक तिवारी, सीधा उनका रुख करूंगी। विवेक, ये दादागिरी, खुलेआम दादागिरी का जो वीडियो है, ये वायरल हो रहा है सरपंच का, इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है? बिल्कुल अंजलि, ये मऊगंज के जनपद पंचायत का ये मामला है जहाँ पर एक सरपंच के द्वारा खुलेआम दादागिरी का ये वीडियो सोशल मीडिया में इस समय वायरल हो रहा है, जो सीसीटीवी का वीडियो है। अगर पूरे मामले की बात करें तो सरपंच जो है वो मऊगंज जिले के टगडौवा नंबर 2 का सरपंच बताया जाता है और जिसका नाम अमित पांडे है। वो किसी काम को लेकर, मनरेगा के किसी काम को लेकर नाराज था, कई समय से आ रहा था, जिसको लेकर महिला जो अधिकारी है उससे बहसबाजी हुई और सरपंच अमित पांडे जो था वो जनपद पंचायत कार्यालय की जो मनरेगा शाखा है वहां पहुंचता है। हाँ। और वहां पर जो पदस्थ महिला नीतू सिंह है उससे बहस होती है। सरपंच महिला अधिकारी को गाली गलौज का भी आरोप लगाया है और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। इसके बाद वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कंप्यूटर उठाकर फेंक दिया, जरूरी जो दस्तावेज थे उसको फेंक देता है। लेकिन अभी इस मामले पे पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि उसकी शिकायत मऊगंज के कार्य थाने में भी दर्ज कराई है महिला ने। अब इसके बाद पुलिस जांच कर रही है, अंदर की बातें भी निकलकर सामने आएंगी।